अपने वजूद को पॉलिटिकल आईसीयू से निकलना चाह रहे हैं और किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके राजनीति कर रहे हैं और बाहरी ताकत को साथ लेकर के देश में भ्रम फैला रहे हैं। तीन बातें साफ कर देना चाहता हूं। आज देश के अंदर प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। किसानों के लिए दरवाजा खुला था, खुला है, खुला रहेगा वार्ता के लिए। ये मंडियां थी, मंडियां हैं, मंडियां रहेगी। किसानों से हमारे कृषि मंत्री ने साफ साफ कहा है आप जब चाहें वार्ता के लिए आएं, जो भी संशोधन लेकर के आएंगे उस पर वार्ता होगी और किसानों के हित में अगर लगेगा हम उसे मंजूर करेंगे। लेकिन जो कानून है, मैं कानून की चर्चा अगर करता हूं तो चर्चा किसानों के हित के लिए सारी बातों को रखता हूं। आज किसान देश में खरीदारी होते रहा है। कोई एमएसपी जब से मोदी सरकार आए हैं, एमएसपी को 41% से 45% तक गेहूं और धान में वृद्धि हुई है। 73% से ऊपर दलहन और तेलहन में हुई है। ऐसी स्थिति में ये कहना कि देश के अंदर किसानों को दबाया जा रहा है। बगावत क्या चालू हो गया है? आपने तो देखा कि यहाँ के विपक्ष ने धरना दिया, धरने पर से उठ करके अब सोशल मीडिया से आरजेडी के सुप्रीमो दे रहे हैं। किसान यहाँ का कोई यहाँ भी खरीद हो रहा है एमएसपी पर। अब एग्जैक्ट फिगर तो मैं डीएम से पूछ के दे पाऊंगा, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने अधिसूचित किया था 23 नवंबर से धान की खरीद दिसंबर में शुरू लोगों ने कर दिया है। गया जिले में ऐसा भी कई किसान है जिनका एमएसपी नहीं हो पाया है या फिर आवेदन नहीं भर पाया है, उनका धान क्रय नहीं हो पा रहा। ये तो जिला की बात है, अभी शुरुआत ही हुआ है भैया। अभी तो जुम्मा जुम्मा जिनको कठिनाई होगी कोऑपरेटिव और संबंधित डिपार्टमेंट इसको ठीक करेगा। अगर कोई व्यक्तिगत मामला हो तो आप निश्चित जिलाधिकारी को दें और मुझे भी कहेंगे तो मैं भी कहूँगा। मंडियों के सहारे पंजाब के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान में समझदारी धीरे धीरे आ गई है, बातें समझ गए हैं। खास करके राकेश टिकैत जी बातों को समझा है, लेकिन पंजाब के लोग राजनीतिक दृष्टि से मंडियों वहां लगभग 6000 से 8000 करोड़ के बीच मंडी टैक्स आता है। उनके अंदर ये लग रहा है किसान कहीं मंडी से बाहर ना बेचने लगे। उनके अंदर ये नहीं है किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले, उनके अंदर है मेरा शेयर कम ना जाए। इसी के कि जमीन चली जाएगी, झूठा भ्रम फैलाने का ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और पहली बार देश में अब कोई आंदोलन को आपने देखा है कि आंदोलन है किसान का, नारा लग रहा है खालिस्तान का,
ये कैसा आंदोलन है? नाड़ा आंदोलन किसान का, नारा लग रहा है खालिस्तान का, और कह रहा है मर्जा मोदी मर्जा मोदी। अरे मर्जा मोदी, ये कौन सा राजनीतिक लड़ाई है? यानी किसानों के कंधों पर रख करके गोली चलाने के सिवा और कुछ नहीं है। बंगाल में चुनाव होना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।